बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बाखबर रोज, मैं हूं अब्दुल कदीर गनी। सबसे पहले शामिल करेंगे रोज हेडलाइंस। ज़र्बे अज़्म में अब तक शिमाली वज़ीरिस्तान का 4304 किलोमीटर इलाका दहशत गर्दों से साफ किया। पाक अफगान सरहद के पास दहशत गर्दों के आखिरी ठिकानों पर जंग जारी है। शिवाल में ऑपरेशन के आखिरी मरहले में 252 दहशत गर्दों को मारा गया, 8 जवान शहीद और 39 जख्मी हुए। ISPR का ट्वीट। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरू में जमीन के तनाजे पर दो कबीलों में तसादुम, फायरिंग से हलाकतों की तादाद 11 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी। जंग में खुशाब रोड पर दो ट्रक टकरा गए, 7 अफराद जहां बहक, 7 जख्मी हो गए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, मकानात की छतें गिरने और दीगर हादसात में बच्चों और ख्वातीन समेत 15 अफराद जां बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हुकूमत ने मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के झूठ का पोल खोल दिया, मियां साहिब ने एहसान का बदला चुकाया, सुप्रीम कोर्ट का बहाना न बनाएं, मुशीर इतला सिंध मौलाबख्श चांडियों की मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान में बैन-उल-अक़वामी क्रिकेट से अमन का पैगाम मिलेगा, फैसलाबाद में पाकिस्तान और श्रीलंकन ब्लाइंड क्रिकेट टीमों के दरमियान पहले T20 मैच की तकरीब से वफाकी वजीर इतलात और नशरियात परवेज रशीद का खिताब। और काली आंधी चलेगी या गोरों का बल्ला घूमेगा, वर्ल्ड T20 का ताज सर सजाने के लिए आज फैसला कुन मार्का, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का आज शाम 6:30 बजे फाइनल में टाकरा होगा। रोज न्यूज से फिल वक्त इतना ही, मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट roztv.com और देखते रहिए रोज, क्योंकि हमारा हर लम्हा है पाकिस्तान के लिए।